नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, जिसकी जानकारी कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के लिए कामना की है और उन्होंने ट्वीट भी किया है। सबसे पहले आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि सोनिया गांधी पिछले दिनों से जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिली हैं उनमें से कई कोरोना संक्रमित निकले हैं। सुरजेवाला के मुताबिक सोनिया गांधी को बुधवार शाम को हल्का बुखार आया था, इसके बाद उनका कोविड जांच कराया गया जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब वो आइसोलेशन में चली गई हैं। सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी ने फिलहाल खुद को आइसोलेट कर लिया है और उनका इलाज जारी है, वो ठीक जल्दी होंगी ये हम सब कामना करते हैं। सुरजेवाला ने ये भी उम्मीद जताई है कि 8 जून से पहले सोनिया गांधी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि 8 जून को सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस बीच कोई नई डेवलपमेंट होती है तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। वहीं ये जानकारी मिलने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोनिया गांधी के लिए ट्वीट किया और उन्होंने उनके स्वास्थ्य की कामना की और जल्दी ही उन्हें रिकवर होने की दुआ भी मांगी है। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने लगातार ट्वीट किए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हुई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जो कुछ मीटिंग हुई थी उसमें कई ऐसे नेता थे जो कि कोरोना पॉजिटिव बाद में हुए और अब जब सोनिया गांधी को बुखार आया तो उनका कोविड टेस्ट कराया गया और वो भी कोविड पॉजिटिव निकली। ऐसे में अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे और 8 जून को ईडी के सामने जरूर पेश होंगे। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी कोविड 19 से शीघ्र स्वस्थ हों, ऐसी मेरी कामना है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। नेशनल हेराल्ड के इस मामले में ये पूछताछ ईडी के ऑफिस में होनी है दिल्ली में। सुरजेवाला ने इसको लेकर कहा कि सोनिया गांधी 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा सुरजेवाला ने यह भी कहा कि 8 तारीख को वो अगर स्वस्थ रहेंगी तो निश्चित तौर पर ईडी के सामने पेश होंगी, लेकिन इस बीच अगर कोई नई डेवलपमेंट होती है तो वो हम आपको जानकारी दे देंगे। तो इस वक्त की ये खबर है कि सोनिया गांधी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वास्थ्य के लिए ट्वीट किया है और जल्दी ही स्वस्थ होने की दुआ की है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड का मामला 2012 में चर्चा में आया था, तब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड YIL के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया और वहां पर स्वामी ने यह भी आरोप लगाया था कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को TJL की संपत्ति का अधिकार दिया गया था। फिलहाल इसी मामले में सोनिया गांधी की पेशी 8 जून को ईडी के सामने होनी है, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं और सुरजेवाला ने जिस तरीके से जानकारी दी है कि वो 8 जून के पहले स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल वो आइसोलेशन में हैं, अगर इस बीच में कोई नया डेवलपमेंट होता है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर हम जरूर जानकारी देंगे। वहीं ये जानकारी आने के बाद कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है।